नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मिस साइंस वर्ल्ड हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का सेकंड चैप्टर अमल शर्क व लवण। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। तो अब तक हमने पढ़ लिए हैं अमल शर्क किस प्रकार से होते हैं, ये क्या क्या हो अमल क्या होता है, शर्क क्या होता है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमल शर्क में समानता। पहला हमारा टॉपिक रहेगा अमल व शर्क में समानता का। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अमल व शर्क में समानता। तो क्या क्या समानता होती है अमल व शर्क में? तो अमल व शर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही समानता होती है, हम कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी समानता अमल व शर्क में नहीं होती। अमल व शर्क में समानता यह होती है कि अमल व शर्क दोनों ही क्या देते हैं, आयन देते हैं। आयन देते हैं मतलब क्या, दोनों ही विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। आयन देने का मतलब ये होता है कि विद्युत का चालन करना। इसके ऊपर एक जो उदाहरण है, प्रयोग है, आपकी बुक में किया गया, उसे आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम यहाँ पर उसको नहीं करने वाले हैं। तो अमल व शर्क में समानता में हम देखेंगे कि दोनों क्या देते हैं, आयन देते हैं। यह दोनों आयन देते हैं, क्या देते हैं, आयन देते हैं। तो आयन क्या देते हैं, अमल कौन सा आयन देता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अमल देता है H पॉजिटिव आयन, क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। और शारक क्या देता है, शारक हमें देता है OH नेगेटिव आयन, है वो हमें शारक द्वारा प्राप्त होता है। जहां भी आयन देंगे उसका मतलब क्या है, वहां पर विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आयन दे रहे हैं इसका मतलब ही यही बनता है कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का जहां भी प्रवाह होगा हम कह सकते हैं कि वहां पर किसका निर्माण हो रहा है, आयन का निर्माण है वो हो रहा है। इसके अलावा कुछ कोई भी समानता है वो अमल व शर्क में नहीं होती है। हमने पहले परिभाषा भी पढ़ चुके हैं, अमल की परिभाषा क्या होती है, क्या इस स्वाद में खट्टी होती है, परिभाषा नहीं होती, लेकिन नहीं होती है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में एच पॉजिटिव आयन देते हैं अमल कहलाते हैं, अमल कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे तनुकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, तनुकरण के बारे में हम अब बात करने वाले हैं कि तनुकरण क्या होता है। अमल व शर्क में समानता हमने देख ली कि क्या क्या अमल व शर्क में समानता है वो होती है। अब हम बात करेंगे तनुकरण के बारे में कि तनुकरण क्या होता है, ये क्या किस प्रकार से होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, अमल या शारक में जल मिलाने पर, अमल या शारक में जल मिलाने पर, या जल में अमल या शारक मिलाने पर, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जल में अमल या शारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन, अमल या शारक में जल मिलाएंगे नहीं, जल में अमल या शारक मिलाएंगे, जल में अमल या शारक मिलाने पर जल में अमल या शारक मिलाने पर प्रति आयन, इनके जो आयन है, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई पर, आयन की सांद्रता में, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई, आयन की सांद्रता में क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, क्या हो जाता है, प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है प्रति इकाई आयतन में क्या आती है, एक कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, तनु हो जाता है। जब भी हम क्या मिला देते हैं, किसी भी अमल या शारक में क्या मिला देते हैं, पानी को मिला देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, तनु हो जाता है। और उसके पानी निकाल देंगे मतलब उसको गाढ़ा कर देंगे तो सांद्र हो जाता है, वह क्या होता है, सांद्र होता है। तो अब देख लीजिए कि क्या होता है तनुकरण किस प्रकार से होता है। आपके घर पर नींबू होता है, सभी के घर आपने नींबू खाया होगा, नींबू का रस होता है, उसको अगर सीधा नींबू से निकाल के चखे तो कैसा होगा, वह बहुत अधिक अम्लीय होगा ना, बहुत अधिक वह खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा पानी मिला लो, नींबू पानी बना लो। अब जैसे ही आपने उसका नींबू पानी मिलाया तो वह क्या हो गया, तनुकरण हो गया, उसका नींबू के रस का क्या हो गया, यहाँ पर तनुकरण हो गया, और वह जो स्वाद है उसका थोड़ा सा वह बदल गया, उसका स्वाद है वो तनुकरण के कारण कम खट्टा वह हो जाता है। तो अब बात करेंगे हम इनके अमल व शारक की प्रबलता के बारे में और दुर्बलता के बारे में, कि प्रबल अमल क्या होता है, प्रबल शारक क्या होता है, दुर्बल अमल क्या होता है, दुर्बल शारक क्या होता है, इन सभी को हम जानेंगे अच्छे से। बस तनुकरण में आपको इतना ही जानना है। उदाहरण में आप यह भी लिख सकते हो कि नींबू का रस,
अब हम बात करेंगे किसकी, अमल की। सबसे पहले हम देखेंगे अमल में प्रबल अमल कौन सा है और प्रबल दुर्बल अमल कौन सा होता है। प्रबल अमल और हम बात करेंगे दुर्बल अमल की। प्रबल अमल क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए प्रबल अमल क्या होता है, जिसमें एच पॉजिटिव आयन की अधिकता हो। क्या हो, एच पॉजिटिव आयन की अधिकता या ज्यादा हो। क्या हो, एच पॉजिटिव आयन ज्यादा हो तो वह क्या होता है, प्रबल अमल होता है। जहां पर एच पॉजिटिव आयन क्या हो, कम हो तो वह क्या होता है, दुर्बल अमल होता है। एच पॉजिटिव आयन जहां पर भी क्या हो, अधिक होंगे वह क्या होगा, प्रबल अमल होगा। एच पॉजिटिव आयन जहां पर भी क्या होंगे, कम होंगे तो वह क्या होगा, एक दुर्बल अमल होगा। तो हम कुछ प्रबल अमल के बारे में जानेंगे। एक मैं आसान सा तरीका बताता हूं आपको, हंसते रहना है। क्या करता है आपको, हंसते रहना है, हंसना है। जैसे ही हंसेंगे, हंसना याद रखना, परीक्षा में आपको हंसना पड़ेगा नहीं। अगर आपने यहाँ पर हंसना याद रखा तो आपको परीक्षा में हंसना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा में हंस लिए तो आप यहाँ पर क्या लिख पाओगे, प्रबल अमल है, वो आसानी से याद कर लोगे। अगर आपको याद रहता है हंसना, तो हंसने से है से हाइड्रोक्लोरिक अमल, है से क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। से सल्फ्यूरिक अम्ल, से सल्फ्यूरिक अम्ल एच टू एस ओ फोर। ना से हम करेंगे नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ना से हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बारे, अम्ल की अचन्नो थ्री। तो हम हंसने से याद रखेंगे क्या, कि हंसने से याद रखेंगे हम कि जो प्रबल अमल है उनको याद रखेंगे, किसने, हंसने से याद रखेंगे। अब दुर्बल अमल की बात कर लेते हैं। दुर्बल अमल में हम बात करेंगे पहले एसिटिक अमल की। कौन से अमल की, एसिटिक अमल की, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। क्या होता है, एसिटिक सी एच थ्री सी ओ ओ एच क्या होता है, एसिटिक अमल होता है। और हम बात कर रहे हैं एच टू सी ओ थ्री कार्बोक्सिलिक अमल की। कार्बोक्सिलिक अमल की बात करें, बताते हैं कार्बोनिक अमल की बात है, वहां पर कार्बोनिक अमल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अमल नहीं कहते हैं, सॉरी। कौन सा अमल होता है, कार्बोनिक। अब हमने जान लिया कि कौन से अमल प्रबल अमल होते हैं और कौन से दुर्बल अमल होते हैं। हंसते रहना, सदा हंसते याद रहेंगे। अगर आप हंसते हो याद रखते हैं, हंसना याद रखते हैं, तो हंसना का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल और नाइट्रिक अमल। तो आपको क्या करना है, हमेशा हंसते हुए रहना है। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी हमारे कैमरे में, तो अब बात करने वाले हम क्षार की। क्षार क्या होते हैं, प्रबल अमल क्षार कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, वह भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रबल अमल और प्रबल क्षार के बारे में जानना हमें अत्यधिक आवश्यक होता है, एग्जाम में पूछी जाने वाली बात होती है। तो अब बात करने वाले हैं क्षार की। क्षार भी अगर अमल भी प्रबल और दुर्बल होते हैं तो क्या होंगे, क्षार भी क्या होंगे, प्रबल और दुर्बल अवश्य होंगे। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है, जिसमें ओएच आयन की क्या हो, जिसमें ओएच आयन की क्या हो, अधिकता हो, ओएच आयन की अधिकता। तो इस प्रकार के क्षार क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। और ओएच आयन की कमी हो, इस प्रकार के आयन क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। तो हम बात करेंगे पहले प्रबल क्षारक की। प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं, तो प्रबल क्षारक होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रबल क्षारक होता है, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रबल क्षारक होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, एक प्रबल क्षारक है वो होता है। यहाँ पर आपको यह की बात याद रखनी चाहिए, जहाँ पर भी अगर क्षारक आएगा तो ओएच आना तो निश्चित है, ओएच आना तो क्या है, निश्चित है। दो याद कर लीजिए प्रबल क्षारक में बहुत है। आपको दुर्बल क्षारक की बात कर लेते हैं, हम किसकी बात कर लेते हैं, दुर्बल क्षारक की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी, अमोनियम हाइड्रो साइड की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षारक वो होता है। अगले क्षारक की बात करेंगे तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की बात करेंगे, किसकी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम वही है जो कि हमारे क्या होता है, पेट का जब अत्यधिक अम्लता बढ़ जाती है, पेट में हमारी अम्लता बढ़ जाती है, तो उसका उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है जो कि हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाने पर उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जब आपको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी, एसिडिटी हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे कि इनो कुछ भी लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की मात्रा है वो अत्यधिक होती है। वह क्या कर देगा, यह का दुर्बल क्षारक होता है, वह क्या कर देता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर करके उनको लेवल में ले आता है जिसकी जितनी अम्लता की आवश्यकता हमारे पेट में होती है। तो जैसे सोडा वगैरह होता है तो उसमें भी क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हम बात करने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी के लिए वरदान माना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिट्टी की अम्लता दूर करने के उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है वो किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की अम्लराज के बारे में, क्या होता है अम्लराज, अम्लराज का निर्माण कैसे होता है। तो अम्लराज मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले चैप्टर में कि अम्लराज क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है, अम्ल राज है वो कहलाता है। तो अमल राज का निर्माण कैसे होता है, वह प्रक्रिया में पढ़ने वाले हैं। अमल राज का निर्माण किस प्रकार से होता है, HCl जी हाँ, HCl और HCl के साथ क्या मिलता है, HNO3। तीन अणु किसके होते हैं, HCl के होते हैं, कितने अणु, तीन अणु, और एक अणु किसका होता है, HNO3 का होता है। एक अणु किसका होता है, HNO3 का। दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अमल राज का निर्माण है वो करते हैं। अमल राज क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जी हाँ, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग भी जान लीजिए, उपयोग महंगे धातुओं को गलाने में, महंगी धातुओं को गलाने में। महंगी धातु कौन सी होती है, सोना, सोने से महंगा कोई धातु हो सकती है, सोना जी हाँ, सोना क्या है, महंगी धातु है। प्लेटिनम भी क्या है, महंगी धातु होती है। इन सभी को गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल राज का उपयोग है वो किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या आपने कभी वर्षा का जल देखा है, जो बारिश में जल गिरता है, जब बारिश होती है जिसमें जल गिरता है तो क्या करता है, वह अशुद्ध जल है, विद्युत का चालक है वो नहीं करता है, क्या करता है, क्या अशुद्ध जल विद्युत का चालक, अशुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं करता है, अशुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर अशुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, अशुद्ध जल विद्युत का चालन इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, और जिस किसी भी चीज का पीएच का मान 7 हो उसका मतलब क्या है, उसमें किसका निर्माण नहीं होगा, आयनों का निर्माण ही नहीं होगा। जिस चीज में आयनों का निर्माण नहीं होगा, ना एच आयन बनेंगे ना ओ एच आयन बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आयन का निर्माण होगा तभी हम कह सकते हैं कि विद्युत का चालन हो रहा है, वरना हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या हो रहा है, विद्युत का चालन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि अशुद्ध जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि उसके पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, उसमें आयनों का निर्माण ही नहीं होता है। लेकिन हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन वर्षा जल होता है वो विद्युत का चालन करता है क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव आयन है वो पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें एच पॉजिटिव आयन है वो उत्पन्न हो जाते हैं, एच पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। और एच पॉजिटिव आयन किस में होते हैं, जी एच पॉजिटिव आयन होते हैं अम्ल में,
किस में होते हैं? अमल में। तो कभी कभी आपने सुना होगा अमली वर्षा के बारे में, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन हम इतना जान लेते हैं कि जो वर्षा जल होता है विद्युत का चालन करता है, लेकिन अश्रु जल कभी विद्युत का चालन है वो नहीं करता। ये जानना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक होता है। इस बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है क्या, या अश्रु जल विद्युत का चालन है वो करता है। तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कि विद्युत का चालन कौन करता है और कौन नहीं करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्षारक की बात कर लेते हैं अब हम। सभी क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जी हाँ, सभी क्षारक वो जल में घुलनशील है वो नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को तो यहाँ पे क्षार किसे कहते हैं? जो भी क्षारक जल में घुलते हैं उन सभी क्षारकों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलते हैं उन सभी क्षारकों को क्या कहते हैं? क्षार है वो कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, अभी अभी एक और बात आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में भी आ सकती है, आपके बुक में भी उसको अच्छे से हाईलाइट कर करके बताया गया है कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो H2SO4 के मोटी श्वेत है पीले बादलों से बना होता है। जी एक बार फिर से सुन लीजिए, जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना होता है? शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो H2SO4 के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना हुआ है। ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए, एग्जाम में इन बातों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते वाते हैं कि अमल व क्षारक परस्पर क्रिया कैसे करते हैं, अमल व क्षारक वो परस्पर किस प्रकार से क्रिया करते हैं, अमल व क्षारक की क्रिया। तो अमल व क्षारक आपस में जब भी अभिक्रिया करते हैं, अमल व क्षारक अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। जब भी लवण व जल का निर्माण करते हैं तो अमल व क्षारक अपने अपने जो गुण होते हैं उनको खो देते हैं। अमल तो अमलता का गुण और क्षारक क्षारता के गुण को क्या कह देते हैं? गुण को खो देते हैं। ना वह अमलीय विलयन बनेगा और ना ही वह जो लवण बनेगा वो अमलीय होगा और ना ही क्षारीय होगा। इसका एक अच्छा उदाहरण होता है HCl+ NOH। जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl। क्या प्राप्त होता है? साधारण नमक प्राप्त होता है जो कि हम खाते हैं और साथ में हमें जल भी प्राप्त होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अमल व क्षारक आपस में अभिक्रिया कर करके किस प्रकार से एक अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उस समीकरण को क्या कहते हैं? उदासीन समीकरण कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जो उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात उसके pH मान कितना होगा? 7 होता है। उसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। जी हाँ बच्चों, हम बात करने वाले हैं अब pH स्केल के बारे में। किसके बारे में? pH स्केल के बारे में। तो pH स्केल क्या होता है ये जानने से पहले आपको जानना जरूरी होता है pH क्या होता है। pH का मतलब होता है pH, P का मतलब होता है पावर शक्ति और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि अमल या क्षारक के मापने का कार्य वो pH द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें मापा क्या जाता है? जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने का तरीका है उसे ही क्या कहते हैं? pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? pH स्केल है वो कहते हैं। pH स्केल है वो किसने इसकी खोज की थी? उसकी खोज की थी सोरेनस ने इसकी खोज की थी। जी हाँ, सोरेनस ने इसकी 1909 में खोज की थी। कब की थी? 1909 में इसका निर्माण किया था। किसने? सोरेनस जी ने इसका निर्माण है वो सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। सोरेनसन ने ही 1909 में इसका निर्माण है वो किया था। तो अब देखते हैं pH स्केल कैसा दिखाई देता है और यह क्या कार्य है वो करता है। तो pH स्केल किस प्रकार का होता है यह भी जान लेते हैं पहले और फिर देखेंगे हमें pH स्केल वो क्या कार्य है वो करता है। तो pH स्केल एक प्रकार का पहले आपको जान लेना चाहिए कि क्या होता है। pH स्केल एक प्रकार का शेल होता है, स्केल होता है जिसके ऊपर 1 से 0 से लेकर के 14 तक कुछ संख्याएँ अंकित होती है, जिसमें कि 0 से लेकर के 7 तक 6.9
तक की संख्या क्या दर्शाती है, 6.9 तक की संख्या में बताती है कि वह पदार्थ क्या है, अम्लीय है। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 6.9 तक का मान इस प्रकार का एक स्केल होता है जिसमें संख्या अंकित होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इस प्रकार के इसके ऊपर 14 अंक अंकित होते हैं। तो यहाँ पर जब 7 है इसका मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता में क्या आ जाती है, अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है, अम्लीयता में वृद्धि। और इधर जाते हैं तो क्षारता में वृद्धि। क्या होता है? क्षारता में वृद्धि है वो होती चली जाती है, क्षारता में वृद्धि है वो होती चली जाती है। साथ में यह भी जान लेना जरूरी रहेगा कि जब जब जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होती जाती है, जैसे इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में क्या होने लग जाती है, कमी होती रहती है, हाइड्रोजन आयन में कमी होती है। यहाँ से 7 से इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में क्या हो जाती है, कमी। और इधर बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन आयन में वृद्धि होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अम्लीयता में वृद्धि होगी हाइड्रोजन आयन में भी वृद्धि होती रहेगी, जैसे क्षारता में वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन आयन में कमी होती रहेगी। तो ये हमारा एक पीएच स्केल का नमूना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पीएच हैं उनके मान को भी जान लेते हैं। तो पीएच स्केल आपने जान लिया क्या है कि जब भी हाइड्रोजन आयन कितने हैं, इस चीज़ को मापने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्केल है वो कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के पीएच के मान, उसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्त, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 या ऐसे भी कहते हैं 7 से लेकर के 7.8 तक। अपने को जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन 7.4 इसका पीएच मान का उत्तर आप सही है वो मान सकते हैं। फिर आप मानते हैं जठर रस, जो हमारे उधर में जब खाना खाते हैं तो जो पचाने का कार्य करता है वो जठर रस करता है। जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, बहुत अधिक अम्लीय होता है जठर रस। इसकी मात्रा बढ़ जाने पर हमें क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेते हैं, तो ये जठर रस। अब बात कर लेते हैं नींबू का रस। क्या बात कर लेते हैं, नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2। पीएच मान याद कर लेना, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका पीएच मान है वो कितना होता है। अब जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं बहुत से जो हमारे पीएच हैं उनकी बात कर लेते हैं। दूध, जी हाँ, दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। दूध का पीएच मान कितना है, दूध 6.5। दही का पीएच मान कितना होता है, दही का पीएच मान हमेशा दूध से कम होगा तो दही का पीएच मान होता है 5.5। दही दूध से थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा होता है दही, तो दही का 5.5। अब बात करें नमक, नमक का जो साधारण नमक होता है NaCl, क्या होता है, लवण होता है, लवण का मान कितना होगा, हमेशा 7 होगा। तो ये पीएच मान इतने आप याद कर सकते हैं या एग्जाम में पूछी जा सकने वाली बातें हैं। अब हम बात करेंगे विभिन्न पीएच मानों के कि किस प्रकार से कौन सा अम्ल है वो किसमें पाया जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में यहाँ से भी एक या दो नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो इसे भी बड़ी गौर से कीजिएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा ये, इसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको मेरी ट्रिक के साथ। जैसे आप सीखते हैं तो आपको सीखने में उस चीज़ को क्या रहती है, आसानी रहती है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं शुरू इसको। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हमें किस किस का पीएच मान है वो चाहिए। सिरका, जी हाँ, सिरके का हमें क्या, सिरके में कौन सा अमल होता है, सिरके में अमल होता है एसिटिक अमल। कौन सा अमल होता है, एसिटिक अमल, सिरके में होता है एसिटिक। तो इसको आप याद रख सकते हैं एसिटिक के लिए CA, क्या लगना है आपको, CA लगना है, क्या लगना है, CA लगना है। तो क्या याद रखेंगे, CA, सी से सिरका, ए से एसिटिक, सी से सिरका, ए से एसिटिक। अब हम बात करने वाले इमली के बारे में, इमली इसकी ट्रिक रहेगी ईंट, क्या रहेगी, ईंट। तो ईंट ट्रिक से आप सोच सकते हैं टर से टार्ट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टर से टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। अब बात करते हैं टमाटर की, किसकी, टमाटर की, टमाटर याद रखेंगे हमें आटा से, आटा आ टा से मान लो टमाटर, आ से आप, कौन सा अम्ल आता है, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल।
कौन सा बनाता है यहाँ से, ऑक्सैलिक अम्ल। अब बात कर लेते हैं अगले हमारे बात की, नीम की स्किन। जी हम बात करेंगे हम नींबू की। नींबू के लिए आपको याद रखना है सीनू, क्या याद रखना है सीनू, नी से नू से क्या ज्ञान नी, सी से क्या आता है सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। जी हाँ बिल्कुल सही, सिट्रिक अम्ल आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। अब हम बात करने वाले हैं संतरे में, संतरा। तो संतरे के लिए आपको एक मजेदार सी ट्रिक बताने वाला हूं मैं, संत संतरे के लिए हम मजेदार सी ट्रिक जानने वाले हैं। संतरे के लिए संत आए, क्या आए संत आए, कौन आ गए आपके घर पे, संत आ गए, संत आ गए। वैसे तो इसमें जो सिट्रिक अम्ल है वह भी पाया जाता है, लेकिन हम बात करेंगे संत आने की, संत से स से संतरा और स से सिट्रिक अम्ल, यह भी आप याद रख सकते हैं, आता है एग्जाम में इसे लिख सकते हैं। अभी पिछले सेशन में यही आया है, पिछले साल 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें यही पूछा गया संतरे में कौन सा अम्ल होता है, इस पर आने की संभावना है, इसमें बहुत कम रह जाती है एक्सोलिक अम्ल, एक्सोलिक अम्ल आए से एक्सोलिक अम्ल। अब बात करने वाले हैं जठर रस की, किसकी जठर रस। जी हाँ जठर रस, जठर रस में यहाँ पे याद रखना है जहां जहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अमल। अब हम बात करेंगे दही की, जी हाँ दही की, दही में क्या होता है इसकी ट्रिक होगी दल्ला, क्या याद रखना है दल्ला, ले से इलेक्ट्रिक अमल, इलेक्ट्रिक अमल। अब हम बात करने वाले हमारे कुछ और उदाहरण रहते हैं, तो हम बात करेंगे लाल चींटी, लाल चींटी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी होता है तो इसके लाफा, क्या याद रखेंगे लाल चींटी के लिए लाफा, ला से ला फा से फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल फॉर्मिक अम्ल। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट की आज के टॉपिक सेब, तो सेब के लिए हम ट्रिक लगाएंगे सेब सेब सेम सेम क्या सेम सेम मैं से मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल मैलिक अम्ल। तो ये हमारे हो चुके हैं आज के, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, जो मधुमक्खी काटते हैं उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, उसके डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, तो जिसके कारण हमारी जो कोशिकाएं होती है सूज जाती है, उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसकी, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल सी ए, सी से सिरका ए से एसिटिक अम्ल सी ए, याद रखना इमली इमली ईट, ई से इमली ट से टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर टमाटर के आटा ट से टमाटर, आ से ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल, नींबू नींबू से सीनू नींबू से नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा संतरे में संत आए तो एक्सोलिक और सिट्रिक भी लिख सकते हैं आप। जठर रस, जठरक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जहां दही दही का दल्ला, द से दही ल से लैक्टिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में लाफा, ला से लाल चींटी और फा से फॉर्मिक अम्ल, सेब सेम सेम मैलिक अम्ल। तो आज की वीडियो में बस इतने ही जानेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, हम अगली वीडियो में इससे आगे जानेंगे पूरे की पूरी, इस लेसन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।